अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। आज हमारे पास ये एक TCL का मोबाइल आया है, 20Y 20T या 20Y है, अभी मुझे इसका मॉडल तो नहीं पता। तो इसका दोस्तों पैनल, ये एक दुकानदार मुझे दे के गया है, इसका पैनल नहीं था तो उसने पैनल इसका उतारा है और अभी कहा है कि इसका पैनल लगा के दें। तो पाकिस्तान में तो ये पैनल अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको एक दोस्त के थ्रू बाहर से मंगवाया है पैनल को। तो आज वो हमारा पैनल आ चुका है, ये देख सकते हैं, सर्विस पैक कंपनी का है। लोकल पैनल इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि वो अगर ख़राब हो जाता तो फिर दोबारा से इतनी दूर से पैनल मंगवाना मुश्किल है। तो अगर आप दोस्तों को भी चाहिए तो पैनल आपको मिल सकता है हमसे, ये देखें। तो अब दोस्तों इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये पैनल ठीक है, ख़राब है या इसमें कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है, तो उसके बाद हम इसकी फिक्सिंग करेंगे। पैनल पहले से उतरा हुआ है, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अभी हो सकता है इसकी बैटरी चार्ज हो या ना हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ये मेरे पास भी आया हुआ है। तो ये इसकी LCD की मैंने स्ट्रिप लगा दी है, और ये दोस्तों आप चार्जिंग वाली स्ट्रिप भी लगा दी है, और अब हम बैटरी लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इसको ना चार्जिंग पे लगा के चेक, बल्कि पहले ऑन करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर इसको हम चार्ज लगा लेंगे। तो ये देखें, ऑन तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, पैनल हमारा डिस्प्ले दे रहा है। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि आगे इसका टच भी काम करता है या नहीं करता। जी तो ये देखें दोस्तों, अभी हमारे पास पैनल है, मुझे इसका कोड तो नहीं पता, तो कोड अगर मालूम होता तो फिर मैं मुकम्मल इसको चेक कर लेता। तो अभी इसका जो टच है नॉर्मल, वो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सारा काम कर रहा है, ये यहाँ से ब्राइटनेस भी अप डाउन हो रही है, और टच इसका तकरीबन सारा चल रहा है, ये देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं, क्योंकि पैनल तो हमारा बिल्कुल सही है और बैटरी भी तकरीबन, ये देखें, 87% है इसकी, तो हमें बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब दोस्तों ग्लू मैंने लगा ली है, इसके बाद हमने ये जो इसके नीचे टेप लगी होती है पेपर, इसको निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्लू लगा के इसको साथ चिपका देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टेप लगी होती है जो यहाँ पे अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, जिसको ये पैनल इस तरीके से ना साथ चिपक जाता है, और ये IC इस स्टील पतरी के साथ लग के ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते, क्योंकि जब फ़ोन चलता है तो ये IC गर्म भी हो जाते हैं।
अब दोस्तों पैनल लगाने का तरीका ये होता है कि जिस तरफ पैनल की स्ट्रिप होती है उस तरफ से पहले यहाँ पे बिठा देना होता है। ये देखें मैंने फिक्स कर दिया है, और उसके बाद ऊपर से आपने इस तरीके से लगा देना होता है। ये देखें अभी पैनल फिक्स हो गया है, इसके बाद अब हम इसकी स्ट्रिप लगा लेते हैं। मेन फ्लैक्स लग चुकी है और ये इसकी सब फ्लैक्स है जो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब दोस्तों मैं इसको मुकम्मल तो बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मोबाइल इतना ही आया है, और यहाँ पे पैनल मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दिया है और मोबाइल। अब इसकी चार्जिंग मैं आपको चेक करवाता हूँ मोबाइल अभी ऑन हो ले तो, क्योंकि मुकम्मल इसकी फिटिंग तो कर दी है, चार्जिंग अभी चेक नहीं की। जी तो ये देखें अभी टच तो इसका ठीक चल रहा है, और उसके बाद मैं ये चार्जिंग लगा के चेक करवा देता हूँ। ये चार्जर पीछे से बंद है। इसका मुझे लगता है दोस्तों जैक भी थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि ये देखें अभी चार्जिंग लगता है और फिर हिल जाती है। तो ये देखें अभी चार्जिंग तो होना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने जैक को पकड़ के रखा हुआ है। तो बाकी खैर चार्जिंग का मसला वो खुद हल कर लेंगे अगर ये ख़राब हुआ भी, क्योंकि वो दुकानदार ही भाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।